किसान भाई नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पंकज। आप देख रहे हैं इंडियन क्रिएटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले संतरे की खेती के बारे में, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है, उसको किसान भाई लगाकर कितना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम सर से जानेंगे जो कि 20 साल से संतरे की खेती कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। सर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप अपना परिचय ज़रा हमारे किसान भाई को बताइए। मेरा नाम है गोपाल जड़वा, हड़म चौजागढ़ छोटसाड़ी तहसील प्रतापगढ़ जिले के रहते हैं। तो सर आप ये संतरे की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? ये संतरे की खेती हम 20 साल से कर रहे हैं। 20 सालों से कुल मिले कर रहे हैं तो सर आप हमें बताइए, पीछे पौधे हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, तो इसके बीच में स्पेस कितने रखी है? ये 16x16 फीट पे। 16x16 फीट। अगर कोई किसान भाई इसको लगाता है आज, कितने साल बाद उसको फल मिलेगा? ये कोई भी लगाना चाहे तो 5 साल बाद इसका फल स्टार्ट होगा। 5 साल बाद 5 साल तक अपन वो इसके अंदर दूसरी फसल बो सकते हैं। अच्छा, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप आपने इसके बीच में मल्टी क्रॉपिंग में कौन कौन सी फसल ली? हमने पहले तो लहसुन है, चना है, ये फसल ली है। गेहूँ लगाते हैं, लेकिन गेहूँ के अंदर क्या है कि चूहे की बीमारी रहती है, चूहे से इनकी जड़ों काट लेते हैं तो पौधे सूखने की बीमारी रहती है। तो आपने ये फसल लगाई है, तो इसके खेत की तैयारी कैसे की? खेत की तैयारी तो वही तैयारी के लिए तो कोई ज़रूरी ऐसा कोई नहीं है, पौधा लाया और हमने खोद के लगा दिया। खड्डा खोदने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और खाद बीज का क्या नहीं? खाद बीज में इसमें भी ये DAP डाल सकते हैं, बाकी यूरिया की ज़रूरत नहीं है। हमने इस खेत के अंदर करीबन 15-16 साल हो गए यूरिया यूज किया है। अच्छा, यूरिया बिल्कुल यूज नहीं करते। इस फसल में हमें बीमारियाँ कौन कौन सी देखने की मिलती? इसमें एक काली मछली आती है, इससे पौधा सूखने और टहनी सूखने की बीमारी रहती है। इसके अंदर और कोई बीमारी नहीं आती। एक इसके गोंद निकलता है, इससे गोंद के लिए हम नीला थोता चूना का पोते ही कर सकते हैं। उसके तने पे आप पोते ही करते हो? पोते ही करते हैं। और फल में तो एक मिनी बग बोलते हैं, वो मनी बग लगती है, उसके लिए स्प्रे है, ट्रेप है, लगा सकते हैं अपन। आपने उसके लिए ट्रेप लगाया? ट्रेप लगाया। अच्छा, अगर कोई किसान भाई इसको लगाता है, एक पौधे के अच्छे तरीके से उसकी मतलब संभाल करता है, तो कितना उत्पादन कमा सकते हैं? ये जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, जैसे ज़्यादा फल देगा, मान लो 50 किलो भी देगा, क्विंटल भी देगा, 2 क्विंटल भी दे सकते हैं। तो आपने कितना बीघा में लगाया इसको? ये हमारे तो 10 बीघे में बगीचा है। अच्छा, तो 5 बीघे का ये है, 5 बीघे का एक और, 2 बगीचे। अगर कोई किसान भाई लगाता है तो उसको कितनी कमाई हो सकती है? इसमें कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। 2 लाख बीघा का भी हो सकता है, 50 हज़ार भी हो सकता है, लेकिन औसत 80-90 हज़ार रुपये बीघा का पर सालाना हो सकता है। अच्छी पानी हो तो कुल मिला के पारंपरिक खेती से अगर हटके कोई जाए, पारंपरिक तो खेती से तो बहुत आगे है ये। तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे पारंपरिक खेती कर रहे हैं? अपना सुझाव तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारंपरिक खेती छोड़ के फल बगीचे की खेती में आए, मसाला की खेती के अंदर आए। तो आपको कैसा मतलब अनुभव है? हमारा तो यही है अनुभव है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपना ये छोड़ के ये खेती के अंदर आए तो अपना अच्छा फायदा होगा और विकास होगा। तो सर हम भी पीछे देख पा रहे हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, आपने क्या क्या फसल लगाई इसमें? इसमें हमने हल्दी भी लगा रखी है, बैंगन भी लगा रखे हैं, और अदरक भी लगा रखी है, और चाहे तो अपन जमीन के अंदर आलू भी लगा सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जमीन कंद अच्छा होता है, जमीन कंद लगाना चाहिए। सर इस फसल को लगाने हमें साल में कितना मतलब तोड़ाई कर सकते हैं इसमें? साल इसमें फसल लेने के लिए 2 फल ले सकते हैं अपने, सर्दी का और गर्मी का। गर्मी का फल मार्च अप्रैल में टूटता है, और सर्दी का फल अक्टूबर दिसंबर नवंबर में टूटता है। तो दोनों भी हम ले सकते हैं इसमें? दोनों भी ले सकते हैं। सिंचाई के अंदर ये है कि पानी अपने पास भरपूर हो तो भरपूर पानी पिला सकते हैं, ड्रिप हो तो ड्रिप द्वारा भी पिला सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार पानी दे सकते हैं। जमीन के ऊपर भी है, और जैसे जमीन वहाँ पे पानी जल्दी चाहिए तो जल्दी दे सकते हैं, कम चाहिए तो कम दे सकते हैं, और ड्रिप द्वारा भी दे सकते हैं। दूसरा यह फल टूटने के बाद गर्मी का फल लेना है अपन को, तो इसको मई जून के अंदर पानी नहीं देना पड़ता है। अच्छा, और सर्दी का फल ही लेना है अपने तो मई जून के अंदर पानी देना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।